इनका मैं छोटा सा सोचा यार रिव्यू कर दूँ। एक है एक्सपल्स 200 टी जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप इस देख सकते हो, इसका जो 200 सीसी में है ये, और FZX ये जो बाइक है आपकी, ये है 149 सीसी में, मतलब 150 सीसी में यामा का। लेकिन अगर मैं पीछे से देखो दोनों बाइक कैसे ऑलमोस्ट सेम है, अगर बस ये मैंने सैडल स्टे जो है मॉडिफाई करा रखा है, तो इसका अलग से वीडियो देखना हो तो आई बटन पे या फिर एक्सपल्स मॉडिफिकेशन पे आप देख सकते हो जाके मेरे चैनल पे। तो ये जो FZX है, ये बाइक थोड़ी कॉम्पैक्ट बिल्कुल रेट्रो लुक में है दोनों के दोनों, और थोड़ी सी बिल्कुल मतलब बहुत सारी चीज़ें इसकी सिमिलर सी लग रही है, तो मेरे को लगा कि यार आप लोग एक ओवरऑल एक साथ दोनों बाइक खड़ी है तो थोड़ा सा वीडियो बना के दिखा दूं। और बस थोड़ा फ़र्क है, देखो मेरे इसमें ना लग गया, मतलब लोहे का टैंक है इसका, पता नहीं मेरे को, ये तो मैं पहली बार बना रहा हूँ तो पता नहीं। अरे ये भी लोहे का ही है, मतलब लोहे का ये टैंक यार, हाँ लग गया, तो ये टैंक भी लग गया इसमें। तो आगे से दिखाता हूँ, पीछे से कुछ ऐसा है इसका। मेरे ख्याल से इसका जो टायर है वो है, क्योंकि मैंने इसका अभी तक रिव्यू बनाया नहीं है तो मुझे पता नहीं है, तो 17 का ही रिम इसका भी है अलॉय में, 140/60 का टायर है इसका, इसका भी टायर लगभग सेम ही है, और बस पावर जो है थोड़ा कम है, बट अगर टॉप स्पीड की बात करूँ ना तो ये और ये लगभग बराबर है दोनों, क्योंकि ये मेरी 120 तक जाती है और ऑलमोस्ट 120-122 ये भी चले जाती है FZX। ठीक है, तो ये जो गाड़ी है ना यामा के FZX, ये कोई पहले जो रेट्रो आती थी, मतलब 790 सीसी का ऐसा कुछ आता था 1970 में यामा का, जो कि बाहर US वगैरह में चलता था, उसका ये रेट्रो लुक में ये बाइक है। तो आगे से दिखाता हूँ आपको ये कैसे दिखती है, आगे से दोनों का आगे से दिखाता हूँ, थोड़ा इसको पीछे कर लूँ, तो बराबर में से तो लगभग सेम है, क्योंकि और इसमें जो इसका एक्सपल्स में लोगो इसका बाहर नहीं निकला है, ये अंदर है, प्लास्टिक है, लेकिन इसमें जो है ना ये लोगो ये बाहर से दिया हुआ है FZX का, और ये फाइबर है, बाकी ये जो है ये लोहा है, बट इसका टैंक जो है वो 10 लीटर का है, मेरा वाले का जो है वो 13.5-14 लीटर का है, मैं ऑफिशियली बात करूँ तो। आगे का दिखाता हूँ मैं आपको, नंबर हटा दूँ क्योंकि भाई जिसकी भी गाड़ी है वो बोलेगा कि नंबर भाई मेरी गाड़ी को बिना पूछे कैसे बना दिया, बंद करो। तो देखो अब दोनों इसका अलग से हेडलैम्प देख रहे हो, मस्त प्यारा सा अलग से दे रखा है ये LED, और ये DRL से इसके, तो अभी गाड़ी जो है नई सी लग रही है। और मेरे वाले का इसका देखो, इसमें भी डबल है बट इस पर सिंगल दे रखा है, एक ही लाइट है, काफ़ी अच्छा हैलोजन सा लग रहा है, मतलब प्यारा सा लुक है इसमें। और जो अगर मैं मीटर की बात करूँ तो सेम टू सेम ही है जो पहले यामा के बाकी गाड़ियों में ना इस सीरीज़ में FZ में, वैसे ही इसमें, और इसका देखो ऐसा है। तो होप एक ओवरऑल थोड़ा सा ये वीडियो मैंने बनाने का अच्छा लगा। और हाइट की बात करूँ तो लगभग हाइट है, और इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है मॉडिफाई कराया हुआ है, क्योंकि इसकी जो सीटिंग पोजीशन है वो लगभग इसी के जैसा है, और बस इसमें मेरा पूरा पैर आ जा रहा है, करीब 2-4 इंच इसका कम है एक्सपल्स के मुकाबले, और इसका जो पीछे का ग्रैब रेल वगैरह है वो हटा दिया है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा रिव्यू दोनों बाइक के बारे में, तो बाकी थोड़ी सी और बात करते चलते चलते। दोस्तों इसके दोनों के जो मोनोशोकर हैं दोनों में सेंटर में, और काफ़ी अच्छे सस्पेंशन है उसका भी है, और इसके जो सीट है ना उस बंदे ने जिसका भी बाइक है काफ़ी अच्छा मॉडिफाई करा हुआ है, एकदम मखमली सा लग रहा था, मतलब ऑफ रोडिंग में अगर आप जाओगे तो ऐसा फील नहीं होगा, हमारा वाला जो है थोड़ा टाइट है बट वो ऐसा नहीं है। तो कहाँ ये यामाहा की वो 149 सीसी है और अपनी जो है वो 200 सीसी है, बट अगर टॉप स्पीड की बात करूँ ना तो लगभग दोनों में, चलो निकल जाए पहले, अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूँ ना तो लगभग दोनों की जो है वो सेम है, जबकि वो 150 सीसी है और ये 200 सीसी है। हीरो जो है वो ड्यूरेबिलिटी में और काफ़ी अच्छा है, बट पिकअप के मामले में हीरो की बाइक है थोड़ी कम है, ये मेरा 200T है, और अगर आप बिल्कुल ऑफ रोडिंग पर्पज से देख रहे हो तो फिर आप 200 लो, 4V ले सकते हो आप, पर दोनों ही बाइकें जो है ना दोस्तों रेट्रो लुक में काफ़ी अच्छी हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोनों, होप दोस्तों आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, और जो भी दोनों बाइक को एक संग
बहुत से लोगों की होती है इच्छा कि दोनों बाइकें दिखा दें, और यूट्यूब पे लोगों ने डाला भी होगा, ऐसा नहीं है। या फिर आप सर्च करके आए होंगे, या फिर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, दोनों ही चीज़ होंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से कभी कभी रोड के भी कुछ बाइकों का थोड़ा बहुत कंपेयर कर दूँ या एक साथ दिखा दूँ, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। और आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक कमेंट, और किसी को दोनों बाइक एक साथ दिखाना हो कि कौन सा चूज़ करें, तो आप उसको वो ये वीडियो शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल किसी न्यू वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।